नमस्कार दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं और खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो उसके कारण हमारे पेट में कई तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि पेट का भारीपन महसूस होना, पेट में जलन, दर्द, खट्टी डंकारें आना, जब भी सांस लेते तो उसमें बदबू सी आना, कब्ज़ की समस्या, ऐसी कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। तो उसके लिए आज मैं आपको एक होम्योपैथिक टॉनिक के बारे में जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं डॉक्टर अमित, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे मुंह से होता हुआ, फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट में जाता है। तो सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं, मुंह में डालते हैं, उसको अपने दांतों से चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको पीस देते हैं, फिर वो हमारी फूड पाइप से होते हुए वो चला जाता है हमारे पेट में। और हमारे पेट में नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से जो है एसिड की ग्रंथिज रहती हैं, तो वो उनमें एसिड्स प्रोड्यूस करती हैं, उसमें जो जूस रहता है डाइजेशन को डाइजेस्ट करने में, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वो मिक्स होता है और जहाँ जहाँ हमारे शरीर में इसकी ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की, वहाँ वहाँ पर वो प्रोवाइड हो जाता है। अगर किसी कारणवश वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है पेट के अंदर, या कोई जो हम खाना खा रहे हैं वो साफ़ सुथरा नहीं है, किस तरह के बैक्टीरिया पनप रहे हैं, तो हमारे जो डाइजेशन है तो वो सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें कई तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती है। गैस की समस्या, अपच की, जो गैस है नीचे पेट के हिस्से में बन सकती है, ऊपर की तरफ बन सकती है, जैसे छाती में जलन, फिर सर की हेडेक की समस्या भी देखने को मिल सकती है, बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है, कब्ज की समस्या हो सकती है, ऐसी कई तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती है। छाती में जलन, जब हम सांस लेते उसमें बदबू सी आती है, पेट में भारीपन, पेट में दर्द, जलन, डंकारे, ऐसी कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं अगर हमें कोई अबनॉर्मेलिटी यानी कोई अपडाउन हो जाता है, जिसके कारण हमें ये सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। अगर ये छोटी छोटी समस्या अगर हम निग्लेक्ट करते हैं तो आगे किसी बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम जितनी भी बीमारियाँ रहती हैं, मैक्सिमम जितनी भी बीमारियाँ हैं वो पेट से रिलेटेड आगे जो डिवेल्प होती है, अगर हमारा पेट सही से नहीं रहता तो आगे कई तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जो कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी स्टार्टिंग में यहीं से शुरू होती है, अगर हम इनको निग्लेक्ट करते तो उनको हमें फेस करना पड़ सकता है। तो आज उसी के लिए, अगर आपको खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो तो उसके लिए आज मैं आपको एक होम्योपैथिक टॉनिक के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, उस टॉनिक का नाम है डाइजेस्टो सिरप, जो कि आप ये देख सकते हैं डाइजेस्टो सिरप, तो इसका पिक्चर भी मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा, जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। डाइजेस्टो सिरप है स्लैब का, जो कि आप ये देख सकते हैं, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसके अंदर की पैकिंग दिखा देता हूँ, फिर इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊँगा, कैसे यूज़ करना, कहाँ मिलेगा, क्या प्राइस है। दोस्तों, ये पैकिंग रहती है 115 ml की, जो कि प्लास्टिक की बोतल रहती है, इसमें इसकी पैकिंग आती है डाइजेस्टो सिरप हैसलैब का था, जो कि आप ये देख सकते हैं, तो पिक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। पहले चलते हैं इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले मेडिसिन डली हुई है नक्स बोमिका, तो नक्स बोमिका आप बारे में जानते हैं कि ओवरऑल यानी कि पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या रहती है तो उसमें हेड रेमेडी रहती है, तो उसमें नक्स बोमिका डली हुई। इसको अच्छी मेरे लिए चाइना, तो चाइना बहुत ही इफेक्टिव, पेट में दर्द रहती है, पेट फूल जाता है, भारीपन महसूस है, उसमें अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद इसमें डली हुई हाइड्रास्टिस डली हुई, कार्बोबैस डली हुई, इसमें जिंजेबर, नेट्रम का, ऑसिमम सेन, लाइकोपोडियम, एलियम स्टाइबा और मेंथा, ये मेडिसिन डली हुई है। ओवरऑल जो भी मेडिसिन के अंदर डली हुई पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं रहती हैं उनको कवर करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसमें जो मेन मेन मेडिसिन नक्स भूमिका इसमें डली हुई है चाइना, हाइड्रास्टिस, कारोविज, लाइकोपोडियम, एलियम सभी काफ़ी मैक्सिमम अच्छी मेडिसिन है इसके अंदर, जो ओवरऑल जितनी भी समस्याएं रहती हैं उनको कवर कर लेती है। और इसमें एलियम स्टाइबा भी डला हुआ है, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है अगर किसी पर्सन को इनडाइजेशन रहता है, खाने से डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर उनमें कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, तो उसमें भी ये वर्क करती है मेडिसिन, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ये मेडिसिन। अब चलते हैं इसके यूज़ की तरफ, कि इसको कैसे यूज़ करना। दोस्तों, इसको यूज़ करना अपने 10 ml दिन में 3 बार यूज़ करना, खाना खाने से 30 मिनट बाद या पहले भी यूज़ कर सकते हैं। 10 ml दिन में 3 बार सुबह तो फिर शाम को यूज़ करना, जो कि आपको होम्योपैथी क्लिनिक में मिल जाएगा। और इसकी जो प्राइसिंग रहती है 115 ml की जो पैकिंग रहती है ये रहती है 90 रुपये की रहती है, जो कि आपको होम्योपैथी क्लिनिक या होम्योपैथी स्टोर में मिल जाएगा। डाइजेस्टो सिर्फ हैसलैब कंपनी का 115 ml की जो पैकिंग है वो है 90 रुपये की। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपके वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे रहती रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन तो उसको दबाना ना भूलें, साथ में आपको दिखाई देगा बेल का आइकन तो उसको दबाना ना भूलें, इससे कि जैसे मैं होम्योपैथी से रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आऊँगा उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।